बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को वर्चुअल बैठक के जरिए आरजेडी के सभी विधायकों और विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशी रहे सभी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नेताओं को ये निर्देश दिया गया कि सभी अपने क्षेत्रों में अस्थायी आरजेडी कोविड सेंटर स्थापित करें। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में है आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दी है। खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा आरोपी है। दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी के 40 साल पुराने निजी सचिव मार्कंडेय मेहता का शनिवार को कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने सचिव के साथ ली गई एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें शपथ दिलाई। श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। रविवार के दिन हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल और उसके बाद फिर असम में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में @PMOIndia को टैग करते हुए लिखा कि पीएमओ संसद और प्रेस का सामना करने से डरता है। वो शमशान और कब्रिस्तान के बारे में घंटों बात कर सकता था, लेकिन अस्पतालों के बारे में कभी बात नहीं की। उसे उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऑक्सीजन बेड दवाइयों की कमी से खोया है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों में मारपीट के बाद फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार और उनके साथियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन सभी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज यानी सोमवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की मच अवेटेड वेब सीरीज महारानी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और ये बिहार की राजनीति के खेल के अंदर ले जाता है। सीरीज का ट्रेलर 1:09 है। ये वेब सीरीज बिहार पर पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल में कई टीमों से खेल चुके पार्थिव पटेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर मोइन अली की सराहना करते हुए कहा कि वो अपनी टीम के गेम चेंजर रहे। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली सीएसके की टीम दिल्ली के बाद 10 अंक लेकर दूसरे स्थान पर थी। राहुल द्रविड़ ने कहा भारत बहुत अच्छी तरह से तैयार रहेगा। उसके पास ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत का आत्मविश्वास है। भारत ये सीरीज 3-2 से जीत सकता है। मुझे लगता है कि भारत इस बार इंग्लैंड में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करेगा।